एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाद और सेहत। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ रेसिपी कैरी और पुदीना कैंडीज की। बहुत ही टेस्टी, चटपटी सी और बहुत ही हेल्दी ही कैंडीज बनाएंगे, जिसको बच्चे भी पसंद करेंगे, साथ ही बड़े भी पसंद करेंगे, क्योंकि बड़ों के लिए बहुत बढ़िया माउथ फ्रेशनर है और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया टॉफी है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए हमारी आज की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो ये कैंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 कैरी ली हैं। कैरी को अच्छे से पहले धो लिया है और फिर इनको मैंने छील लिया है। अब ये जो कैरी है इसको हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। बस रफली इनको इस तरीके से हम कट कर लेंगे। सारी कैरी को मैंने काट लिया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे, इसके अंदर कैरी डालेंगे। तो मेरा मिक्सर जार छोटा है, तो मैं 2 बैचेस में ये जो कैरी है इसको इसमें डालूंगी और इसको हमें पीसना है। अब देखिए, मैंने 1 कप पुदीना लिया है। आधा पुदीना इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी और बाकी का जो आधा बचा हुआ पुदीना है वो सेकेंड बैच के साथ में पीसेंगे। अब यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना, क्योंकि कैरी को थोड़ा सा जो पीसने में दिक्कत होगी अगर पानी नहीं डालेंगे तो। मैंने यहाँ पानी आपको दिखाया नहीं है, लेकिन पीसते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा 4-5 चम्मच के आसपास पानी ऐड कर दिया था। यहाँ देखिए, बिल्कुल स्मूथ इसका हमें पेस्ट बना लेना है, एकदम फाइनली इसको पीस लेना है। अब इसको डालेंगे एक छलनी के अंदर। दूसरा बैच भी मैंने पीस लिया है। अभी जो पल्प है इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा, कैरी के अंदर अगर थोड़े बहुत रेशे होते हैं या कोई पुदीने का पत्ता बड़ा रह जाता है या कोई पुदीने की डंठल रह जाती है तो वो छन जाएगा, बाकी जो स्मूथ पल्प है वो हमें मिल जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से इसको चम्मच से इस तरीके से रगड़ रगड़ के छानेंगे तो पूरा जो पल्प है हमारा वो निकल जाएगा और सिर्फ वेस्ट पार्ट जो है कैरी का वो रहेगा। ये देखिए, तो बिल्कुल 1 चम्मच के आसपास इसका वेस्ट निकला है, बाकी सारा पल्प छन गया है। इसको डिस्कार्ड कर देंगे और नीचे छलनी में भी काफी सारा पल्प लगा हुआ है, उसको चम्मच से इस तरीके से स्क्रैच करते हुए निकाल लेंगे। अभी जो कैरी का पल्प है इसके अंदर हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो मिठास के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। गुड़ को मैंने पाउडर बना लिया है, बिल्कुल उसको बारीक बारीक पीस लिया है मिक्सी में। आप चाहो तो मीठे के लिए मिश्री या चीनी भी यूज कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। अब एक बार सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। कैंडी को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से जब हम इसको कुक करेंगे तो ये थिकनेस अच्छी आएगी इसमें और ये अच्छे से जम जाएगी। तो बस 1 चम्मच इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको कुक करेंगे तो मैंने एक पैन में 4-5 ड्रॉप तेल लिया है, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, बहुत थोड़ा सा तेल लेना है और फिर इसके अंदर हमें कैरी और पुदीने वाला पल्प ऐड कर देना है। तेल इसलिए डाला है ताकि जब हम इसको कुक करें तो जो हमारा पल्प है वो गाढ़ा होगा और ये पैन में चिपके नहीं, बस इसीलिए थोड़ा सा 4-5 ड्रॉप के आसपास तेल इसमें ऐड किया है। अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इसको लगातार लगभग 8 से 10 मिनट के लिए हमें कुक करना है। कुक हम तब तक करेंगे जब तक कि जो हमारा ये पल्प है वो थिक हो जाएगा, एकदम अच्छे से इसमें शाइन आ जाएगी। इसको लगातार चलाते रहें ताकि ये पैन में चिपके नहीं और साइड से भी इसको स्क्रैच करते रहें और बिल्कुल अच्छे से इसको कुक करें। जैसे जैसे ये पकेगा इसका कलर भी थोड़ा चेंज होगा और इसमें एक बहुत ही बढ़िया सी शाइन आपको दिखाई देने लगेगी। ये देखिए, मुझे इसको कुक करते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये काफी थिक हो गया है। कलर भी आप देख सकते हो, पहले इसका कलर जो था वो लाइट ग्रीन था, अभी काफी डार्क हो गया है। ये कलर जो चेंज हुआ है ये पुदीने की पत्तियों की वजह से हुआ है, क्योंकि पुदीने को जब हम कुक करते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अभी देखिए, जब मैं इसको पैन में इस तरीके से नीचे गिरा रही हूँ तो ये बैचेस में नीचे गिर रहा है, फ्लो के साथ में नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। तो ये जो पल्प है हमारा ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है, बस अब गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर जमाने के लिए। तो प्लेट पर भी मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है ताकि जब ये सूखे तो प्लेट में चिपके नहीं और आसानी से उतर जाए। तो हल्का सा प्लेट को तेल से ग्रीस कर लेंगे और फिर ये जो पल्प है इसको प्लेट में निकाल लेंगे।
और स्पैचुला से थोड़ा सा इसको फैला देंगे, इवन कर देंगे ऊपर से। जितनी थिकनेस रखनी है आपको कैंडी की, उतना ही आप इसको फैला दें। अगर पतली रखनी है तो थोड़ा सा ज्यादा फैला दें, अगर थोड़ी सी मोटी साइज रखनी है तो इसको कम फैलाएं। और अब इसको हम 2 दिन धूप में सुखाएंगे, और अगर आप पंखे के नीचे सुखा रहे हैं तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे इसको पंखे के नीचे सूखने में। तो 2 दिन मैंने इसको धूप में सुखा दिया था, अभी आप देख सकते हो ऊपर से बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो बस अब इसको हमें कट कर लेना है, जैसी भी आप इसकी शेप चाहते हैं, जितने बड़े साइज में या छोटे साइज में आपको कट करना है उस हिसाब से आप कैंडी को कट कर लें। तो सारी कैंडी को मैंने कट कर लिया है, तो अब आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाऊंगी। तो इसमें कुछ मसाले मैं अभी ऊपर से भी ऐड करूंगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट दोनों तरफ से ये जो कैंडी है हमारी अच्छे से सूख गई है। अब एक मिक्सिंग बोल में मैंने 2 चम्मच भूरा चीनी ली है, थोड़ा सा इसमें भुना हुआ जीरा डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है, और साथ ही थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दिया है। सब चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे, और अब ये चटपटा सा जो मसाला हमने तैयार किया है इसके अंदर हम ये सारी कैंडी डाल देंगे। और अच्छे से इसको इस तरीके से टॉस कर लेना है ताकि जो भी सारी कैंडीज हमारी हैं उन पर ये मसाला अच्छे से कोट हो जाए। तो ये जो मसाला हमने इस पर कोट किया है उसकी वजह से क्या होगा, कैंडी आपस में चिपकेंगी नहीं, क्योंकि कैंडी थोड़ी सी गीली रहती है, अगर हम मसाला नहीं लगाएंगे तो ये आपस में चिपकती हैं, और इस तरीके से मसाले की जब इस पर कोटिंग हो जाएगी तो ये आपस में चिपकती नहीं, खुली खुली सी रहती है और चटपटी भी बनती है। तो ये कैंडी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हो 1 महीने के लिए, इसको फ्रिज में रखिएगा ताकि खराब नहीं हो। और इसको जब भी बच्चे आपके टॉफी खाने का डिमांड करते हैं या उनका टॉफी खाने का मन होता है तो आप ये कैंडी दे सकते हो, हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। साथ ही आप इसको माउथ फ्रेशनर की तरह भी खा सकते हो, खाना खाने के बाद में 1 कैंडी खा लीजिए, मुंह एकदम आपका फ्रेश हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही आसान सी कैंडी बनकर के तैयार हो गई है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ट्राई कीजिए ये वाली रेसिपी, मैं फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ में इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। खमा गणेशा।